खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 16 अक्टूबर 2024 के दिन पूरे 172 सालों के बाद दिखेगा शरद पूर्णिमा का चांद। बनेगा स्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग और महालक्ष्मी राजयोग। इन पांच राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बाद से ही पांच राशियों का भाग्य बदलने वाला है। पांच राशियों की किस्मत के दरवाजे अचानक से चमकने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही शरद पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ में शरद पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। उसके अलावा शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी कला पूर्ण यौवन रूप में होता है। यानी कि चंद्रमा इस शरद पूर्णिमा पर 172 सालों के बाद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। इस बार शरद पूर्णिमा की जो रात का जो नजारा है ना, वो बिल्कुल दिव्य और अद्भुत रहने वाला है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्सर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो शरद पूर्णिमा पर 172 सालों के बाद चंद्रदेव महत्वपूर्ण और दुर्लभ योग बना रहे हैं, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। एक तो लंबे समय से कर्क राशि वाले लोगों का अगर कोई भी सरकारी कार्य अटका हुआ था, लंबे समय से आपका कार्य रुका हुआ था, तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब उसके पूरे होने की पूर्ण संभावना बन रही है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से अच्छा खासा लाभ कमाने में भी सफलता होगी। अगर आप किसी भी नए व्यापार की नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो भी शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। जो भी बेरोजगार है, अगर आप काफी समय से अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे थे, तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में अब इन 15 दिनों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत बन रहे हैं। शरद पूर्णिमा के बाद आप लोगों के घर में धार्मिक माहौल बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, लंबे समय से जो भी आपकी परेशानी चल रही थी वो भी दूर होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस बार जो ये पूर्णिमा का दिन है वो आप लोगों के लिए सौभाग्य के दरवाजे खोलकर लेकर आने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा की रोशनी परिपूर्ण हो, उस समय केसर से बनी हुई खीर बनाकर आपको चंद्रमा की रोशनी में खुली छत के नीचे रख दें और फिर अगले दिन पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में उसका वितरण करें। और इसके साथ ही ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और दोस्तों आप लोगों को आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रदेव भी मजबूत होंगे और आपको भलीभांति पता होगा कि अगर चंद्रमा मजबूत होता है ना, तो दोस्तों व्यक्ति का भाग्य अचानक ही बदल उठता है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे, लेकिन अब स्वयं का व्यापार शुरू कर दिया है, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, माता पिता की सेवा हो रही है, घर में हर तरह से लक्ष्मी जी का आगमन बना हुआ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर फोर व्हीलर कार सभी सुख मौजूद है, पत्नी भी घर में खुश रहती है और अड़ोसी पड़ोसी सोचते हैं कि आखिर इन 2-4 सालों में इतनी तरक्की हुई तो हुई कैसे, कहीं जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया। और ये सभी डिसाइड करती है आपके जीवन की पर्सनलाइज्ड कुंडली और ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर दशा। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली में अपने भाग्य के अनुसार जो भी कार्य करता है उसका उसे फल पूर्ण रूप से जरूर मिलता है। जिंदगी में कई ऐसे लोगों से भी आप मिले होंगे जो कि पूरी जीवन भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। दोस्तों क्या आपकी कुंडली में इन 9 ग्रहों में से कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपकी कुंडली में राहु शनिदेव केतु या कोई अशुभ ग्रह की दशा महादशा तो नहीं चल रही है, या कुंडली में काल सर्प दोष पितृ दोष मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से आप ही
सभी के जीवन में परेशानियां बनी हुई हो। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए नौकरी और व्यापार दोनों में से सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा? कौन सा व्यापार आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहने वाला है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? व्यापार में कब तरक्की होगी? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? किस डिपार्टमेंट में आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका विवाह का योग कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, अब आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? या 2025 में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या कुछ ज्योतिषीय उपाय करके आप अपने 2025 को भाग्यशाली साल में बदलना चाहते हैं? तो फटाफट से ज्योतिष आचार्य गुरुजी से इस नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में अपने भाग्य की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श पे और पो से शुरू होता है उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो शरद पूर्णिमा पर महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में अति सुखमय और सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। एक तो कन्या राशि वाले लोगों को माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अच्छा धन का लाभ होने के योग है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होगी। पुराना अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है तो वो भी वापस आने की संभावना बनती है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन कार्य करते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या दोस्तों टीचिंग का, एजुकेशन का कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे सभी कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो यह जो शरद पूर्णिमा का समय है यह किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। व्यापार में आपकी योजनाएं सफल बनेगी, जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। वहीं नौकरी करने वाले लोगों को भी ऑफिस में अनुकूल माहौल रहेगा, जिसका आपको फायदा मिलने वाला है। सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। अपने दोस्त, परिवार और मित्र जनों के साथ आप पार्टी अरेंज कर पाएंगे। जो भी नव विवाहित लोग हैं, जिनके हाल ही में अभी भी शादी हुई है, आपके घर में किसी भी खास मेहमान का आगमन हो सकता है। संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ ही आप लोग हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें और हनुमान जी के मंदिर में चार मुख वाला दीपक जलाएं और इसके अलावा चंद्रमा की रोशनी में कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करें। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में इस मंत्र का आप जाप करेंगे ना, तो गारंटी के साथ मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और जल्द से जल्द आपके सभी कार्य सफल बनेंगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें और ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक फेसबुक पर जरूर पहुंच जाना चाहिए, ताकि काम का जो अपडेट है, सनातन संस्कृति की जो जानकारी है, वो सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएगा। और वहीं आप अपनी राशि के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं ना, तो आप हमें अपनी राशि का नाम या खुद का स्वयं का नाम जरूर बताएं, जिससे हम आपकी राशि के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाकर लेकर आ सके। मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है तो पूरा सेपरेट अपन कुंभ राशि के बारे में ही जानेंगे कि 2025 में आपके लिए कैसा रहेगा। आर्थिक जीवन, नौकरी, व्यापार, धन संबंधी, प्रेम संबंध, हर एक चीज के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, धनु राशि की अगर बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन जो ये महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। एक तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे। आप अपनी सभी तरह की स्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा वाद विवाद चल रहा है, कानूनी मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा है, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। फैसला आप ही के फेवर में आ सकता है। आपके मन का बोझ हल्का होगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना,
तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। आप दूसरे लोगों की अच्छी सलाह भी लेंगे। मन में व्यवसाय के लिए जो विचार आ रहे हैं, अगर आप कोई भी खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं ना, तो उसके ऊपर भी आप तुरंत अमल कर सकते हैं। दोस्तों दिवाली से पहले आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। जो भी धनु राशि वाले अगर विदेश में जाकर नौकरी, शिक्षा या घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनका सपना भी पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। घर परिवार के लोगों के साथ संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार रहेगा, रोमांटिक माहौल में रहेंगे। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग तुलसी पूजन अवश्य करें और सुबह शाम तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गय छह के को और ह से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शरद पूर्णिमा पर जो ये महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए लाभप्रद रहने वाला है। एक तो आपकी राशि में मंगल देव के साथ ही चंद्रमा का केंद्र योग भाव में बैठे हुए हैं, जिसका आपको इस पूर्णिमा के बाद यानी कि 16 अक्टूबर के बाद लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शासन सत्ता में बैठे लोगों को भी शानदार फायदा मिलने वाला है। सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। दीर्घकालीन अगर पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फायदेमंद रहेगा, या नया आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, सरकारी कार्य में भी सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लिए नए वस्त्र, आभूषण या दोस्तों कोई भी कीमती चीज की खरीदारी करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप लोगों की ये इच्छा पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, माता पिता से स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले दिन जो है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छे और लकी रहने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शरद पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः।